आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि tan 9 डिग्री घटा tan 27 डिग्री घटा tan 63 डिग्री जमा tan 81 डिग्री बराबर होना चाहिए 4 के। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan 9 डिग्री घटा tan 27 डिग्री, इसको ऐसे ही रखेंगे। tan 63 डिग्री, यहाँ पे 63 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री घटा 27 डिग्री। इसी प्रकार tan 81 डिग्री है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री घटा 9 डिग्री। इस प्रकार हमारे पास ये बनेगा पहला चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, tan 9 डिग्री तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे tan 27 डिग्री घटा, यहाँ पे है पहला चतुर्थांश tan 90 डिग्री घटा थीटा, तो इसका मतलब हो जाता है cot थीटा, यहाँ पे बन जाएगा cot 27 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे भी जमा में tan 90 डिग्री घटा थीटा है तो ये भी बन जाएगा cot थीटा, यहाँ पे बन जाएगा cot 9 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे tan 9 डिग्री जमा cot 9 डिग्री, इनको एक साथ लिखेंगे और बाकी दोनों में घटा है तो घटा को बाहर लगा के तो इनको भी हम एक साथ लिख लेंगे, tan 27 डिग्री जमा cot 27 डिग्री। अब इसको हल करेंगे, tan का मतलब होता है sin बटे cos, तो ये हो जाएगा sin 9 डिग्री बटे cos 9 डिग्री। इसी प्रकार cot का मतलब क्या होता है, cos बटे sin, cos 9 डिग्री बटे sin 9 डिग्री। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी यही करेंगे, इनको sin और cos से हल करेंगे, tan का मतलब क्या होता है sin बटे cos, sin 27 डिग्री बटे cos 27 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे भी cot का मतलब क्या होता है cos बटे sin, तो cos 27 डिग्री बटे sin 27 डिग्री। अब यदि हम इसमें लघुत्तम समापवर्तक लेकर हल करें तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास लघुत्तम समापवर्तक में दोनों आ जाएंगे sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री, ऊपर क्या आ जाएगा sin की घात 2 9 डिग्री जमा cos की घात 2 9 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे भी दोनों का लघुत्तम समापवर्तक यही आएगा sin 27 डिग्री cos 27 डिग्री, ऊपर क्या आ जाएगा sin की घात 2 27 डिग्री जमा cos की घात 2 27 डिग्री। इस प्रकार हमारे पास ऊपर सूत्र बन जाता है sin की घात 2 जमा cos की घात 2, ये होता है हमेशा 1 के बराबर। नीचे क्या बचा sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री घटा में, यहाँ पे भी ऊपर सूत्र बन गया। इस प्रकार यहाँ भी हमारे पास अंश में वही सूत्र बना sin की 2 जमा cos की 2, तो नीचे बचा sin 27 डिग्री और cos 27 डिग्री। अब हम सूत्र बनाएंगे 2 sin थीटा cos थीटा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा 2, तो हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे जिससे कि हमारे पास सूत्र बन जाए। ऐसे यहाँ पे भी ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, इस प्रकार हमारे पास सूत्र क्या बनेगा, ऊपर तो 2 रह जाएगा नीचे 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास sin 2 थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे भी 2 ऊपर रह गया 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा sin 2 थीटा, 27 गुणा 2 कितना होता है 54 डिग्री। अब हम इसमें मान रखेंगे दोनों का sin 18 डिग्री और sin 54 डिग्री, वो हमारे पास क्या होता है 2 बटे में, यहाँ पे रखेंगे sin 18 डिग्री का मान, फिर यहाँ पे इसी प्रकार 2 बटे में यहाँ पे रखेंगे sin 54 डिग्री का मान। साइन 18 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 5 घटा 1 बटे 4, और साइन 54 डिग्री का मान भी इसी प्रकार वर्गमूल 5 जमा 1 बटे 4। अब हम इसको हल करेंगे, ये जो 4 है ये नीचे है तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 8, नीचे रह गया यहाँ पे वर्गमूल 5 घटा 1, घटा में ये भी 4 ऊपर चला गया तो ऊपर 8 बन गया वर्गमूल 5 जमा 1। इसको यदि हम हल करें तो हमारे पास लघुत्तम समापवर्तक में क्या आएगा, दोनों का गुणा हो जाएगी ए जमा बी ए घटा बी, तो इस प्रकार ए की 2 घटा बी की 2, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 8 गुणा में वर्गमूल 5 जमा 1 घटा 8 गुणा में वर्गमूल 5 घटा 1। इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है 16 और नीचे आ जाता है 4, 4 से कटा तो 4 आया, इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आया 4, जो कि हमारा दाया पक्ष 4 हमें सिद्ध करना था, हमारे दाएं पक्ष में 4 लेके आना था, तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया 4। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।